जैसे हम आज लोगों की क्लास में अपने ये टॉपिक करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये बेटा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। समझाई मेरी बात? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिंपल है, किसी भी चाहे आपका एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैसे किया जाता है। आपसे मैंने कार परचेज की, आपने मेरे को कार दी, मैंने आपको पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारा आज का ये है, हम ये टॉपिक करेंगे, ध्यान से सुनना प्लीज। पहली बात, ये न्यू टॉपिक है, ध्यान से सुन लो। ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा इतना ही है। एक तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक शब्द था जिसको एक्सप्लेन किया एक पेज के अंदर, ठीक है। ये जो हमारा है ये न्यू टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा हुआ है? कहता है पहले तो ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल बात है। सेक्शन 37 में ये बात लिखी है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का पार्टी का क्या होता है बेटा? ऑब्लिगेशन होता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? कहता है द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। कहता है कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी या तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे? परफॉर्म करे, या परफॉर्म करने के लिए वो ऑफर रखे, बात देखे। भाई मैंने कहा भाई साहब ये लो आपके 1,00,000 रुपए, आप मेरे को कार दो। बताओ मैंने क्या करा? मैंने ऑफर रखा किसका? परफॉर्म करने, समझ आए? या मैंने उसको 1,00,000 रुपए दिया, मैं कहा भाई साहब तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव प्रोमिस, रिस्पेक्टिव प्रोमिसेज को लेकर, ठीक है जी। द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट सॉरी अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये क्या कहता है देखो, ध्यान से सुनो। कहता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो कंट्रेरी ऑफ लॉ हो, जिसके अंदर लॉ में जिसके ऊपर क्या लगा दी गई हो, कोई ये पूरी लाइन पढ़ो प्लीज, इसलिए कह रहा हूं बाद में दिक्कत आएगी आपको पढ़ने में। द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, ठीक है। अनलेस क्या लिखा है? अनलेस, आगे पढ़ो, डिस्पेंड विद और एक्सक्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब किसी एक्ट के अंदर, किसी लॉ के अंदर उसको रोका गया है परफॉर्म करने के लिए, तो वो चीज के लिए आप ऑफर टू परफॉर्म नहीं कर सकते, जिस पर कानून में क्या लगी हुई है? मनाही लगी, मतलब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मान लो एक तरीके से। कहता जब कब तक आपको परफॉर्म करना, आप परफॉर्म करोगे या ऑफर टू परफॉर्म करोगे? अनलेस जब किसी लॉ के अंदर, किसी कानून के अंदर उसके ऊपर क्या नहीं लगी हुई, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई, मनाही नहीं लगी हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल या वॉइड नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट ही अगर गलत है जिसमें लॉ में क्या लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, तो फिर उसके लिए आप परफॉर्म नहीं करोगे। सबको पता था, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिख के बताया उसने, भाई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है या परफॉर्म करने के लिए ऑफर करना है, ठीक है। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म नहीं करेंगे जिसके ऊपर किसी लॉ के अंदर क्या लगी हुई है, प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई। बोलो बात समझ आएगी? आगे बेटा बात समझो। और ऑफ एनी अदर लॉ, मतलब इस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में मनाई हो या किसी दूसरे लॉ में मनाई हो, मतलब कंपनी एक्ट में हो गया, इनकम टैक्स एक्ट में हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को? प्रोमिसेस बाइंड टू रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ द डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस। कहते हैं अगर प्रोमिसर की परफॉर्म करने से पहले क्या हो जाए बेटा, डेथ हो जाए, तो बेटा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है क्या है बेटा, जिसका लीगल हेयर्स है या उसका बेटा है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन यह है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टैलेंट स्किल नॉलेज का है तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि 9,00,000 जी बुक लग सकते थे, उसकी वाइफ नहीं लिख सकती, याद आ गया होगा आपको। तो उस केस में नहीं होगा, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, परफॉर्म नहीं हो सकता, उसका लीगल हेयर भी नहीं कर सकता, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता बेटा, वॉइड हो जाता है। याद आया कि नहीं है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता था, 9,00,000 जी बुक लिख सकते थे, बट कुछ समय बाद कुछ ऐसी इवेंट या सर्कमस्टांसेस हुई कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। याद आया कि नहीं है?
तो यही कह रहा है बेटा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस ए कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। समझा गया? अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके कॉन्ट्रेरी जो भी कहा हुआ है वो उसका लीगल हेयर परफॉर्म करेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर उसमें टैलेंट स्किल और नॉलेज की जरूरत है, किसकी बेटा? टैलेंट स्किल, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं। इस बारे में सिर्फ ये बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियों का ऑब्लिगेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने का, परफॉर्म करने। ठीक है, या तो वो परफॉर्म कर दे या वो क्या कर दे, या ऑफर टू परफॉर्म कर दे। मतलब उन्होंने ऑफर रख दिया, प्रोमिसर ने क्या रख दिया, ऑफर रख दिया। मैं बात सुनो, प्रोमिसर ने ऑफर रखा कि भाई साहब ये लो पैसे और आप गाड़ी दो, वो कहता है हाँ यार कल करेंगे या परसों करेंगे। मेरी बात समझो, कल करेंगे या परसों करेंगे। तो बेटा फिर उस केस के अंदर है वो जो जिसने ऑफर रखा है परफॉर्म करने का, उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। वो तो परफॉर्म करना चाह रहा था, वो तो परफॉर्म करना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑब्लिगेशन होता है उनका परफॉर्म करने का। अगर कंट्रेरी ऑफ लॉ में ना हो, लॉ में उसके कंट्रेरी मतलब उसके अगेंस्ट ना बोला गया हो, लॉ में रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो परफॉर्म करेगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हेयर्स करेगा। लेकिन अगर किसी को एक्ट में या कंट्रेरी लॉ में ये लिखा है कि उसका लीगल हेयर नहीं कर सकता, क्योंकि तो बहुत से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो जिस पर्सन के साथ किए गए थे वही परफॉर्म कर सकता है ओनली, समझ रहे हो? लेकिन और वो परफॉर्म वो कौन से होते हैं, टैलेंट स्किल नॉलेज वाले। अब डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन करना था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, फौरन से आगे करना था। ठीक है, अब वो एक्सपायर हो गया तो अब कहते तो उसका बेटा करेगा। बोल बेटा ऐसा है क्या? मान लो उसका बेटा भी डॉक्टर है तो भी नहीं करवा सकता अगला, क्योंकि जो टैलेंट स्किल एक फादर में है पता नहीं उसके बेटे में है या नहीं है। मेरी बात समझ, इसलिए इसने लिखा है। अब कहता है नेक्स्ट है, ये तो देखो सेक्शन 37 ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को क्या होता है बेटा, ऑब्लिगेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, या तो वो परफॉर्म करे या ऑफर टू परफॉर्म करे। मतलब परफॉर्म करने के लिए क्या करे, ऑफर रखे। अब अगला है टेंडर और ऑफ परफॉर्मेंस। अब टेंडर का मतलब क्या है बेटा, लिख लो, टेंडर का मतलब ऑफर है। हाँ बेटा, अगर वो पार्टी एग्रीड है, कहती है यस हम एग्रीड है, तो वो परफॉर्म कर लेगा, मना कर सकता है, क्योंकि यहां पर जज उसके केस में फेवर करेगा। आगे कहता है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा टेंडर को ही क्या बोलते हैं, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। इसको बेटा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। क्या अटेम्प्ट, आपका अटेम्प्ट है ना, अटेम्प्ट कौन सा है, दिसंबर। अटेम्प्ट का मतलब कहता है प्रयास करोगे आप एक, अब वो प्रयास सफल हो या ना हो तो टाइम बताएगा। अटेम्प्ट का मतलब क्या है, एफर्ट्स। तो इसको बेटा टेंडर परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, ऑफर परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, और अटेम्प्ट परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सुनना, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर इज नॉट ए एक्चुअल परफॉर्मेंस। कहता है ऑफर रखना एक्चुअल, देखो टेंडर जब भी बढ़ाए तो क्या समझोगे आप, टेंडर को लेके कोई वो टेंडर समझ जाते हैं दूसरे लोग, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं पहले। टेंडर का मतलब क्या है, ऑफर, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। कहता है ऑफर इज नॉट एक्चुअल परफॉर्मेंस, सबको पता है ऑफर रखना एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं थी। अच्छा ऑफर रख के छोड़ दो बस, फिर परफॉर्म कहां होगा। ऑफर रखने के बाद क्या होता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। कहता है ऑफर इज नॉट एक्चुअल परफॉर्मेंस बट इज ओनली एन ऑफर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन और मेक ए टेंडर, मतलब मेक ए ऑफर एंड एंड द अदर, स्पेस नहीं आया वहां पर, एंड द अदर पार्टी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, सच टेंडर शेल बी रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस, इट इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड ए अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। अब सुनना, पहली बात कि ऑफर टू परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं मानी जाती, लेकिन प्रोमिसर टेंडर ऑफर रख देता है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रख देता है और दूसरी पार्टी उसको पूरा नहीं करती है, तो फिर बेटा प्रोमिसर की कोई भी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का क्या किया था, ऑफर रखा था, प्रयास किया था।
अगली पार्टी ने मना कर दिया, उसके लिए उसकी कोई मिस्टेक नहीं। अब कल को वो पार्टी ये नहीं बोल सकती कि तूने परफॉर्म नहीं किया। मान लीजिए मैंने किसी को 10 तारीख को मैंने उससे कार परचेज की थी और 10 तारीख को उसने कहा था मेरे को फाइनल पेमेंट दे देना और कार का पोजीशन ले लेना। वो 10 तारीख को पैसा लेके गया कि भाई साहब ये लो पैसे और आप कार दे दीजिए। कहता यार मेरी कार अभी है नहीं, बाहर गई होगी, एक दो दिन में आ जाएगी, फिर आप पैसे दे देना और फिर क्या करना। कहते देखो मेरे तो पैसे तैयार है। कहते नहीं कोई बात। अब दो दिन बाद वो दोबारा जाता है तो वो प्रोमिस ये बोल सकता है कि नहीं ऑफर कॉन्टेक्ट कैंसिल है। कहते क्यों? कहते तेरे 10 तारीख की बात हुई थी, 10 तारीख को परफॉर्म करना था। बोलो सही है? नहीं कैंसिल नहीं, वो परफॉर्म करने के लिए आया था। उसने परफॉर्म करने का क्या रखा था? ऑफर भी रखा था। गलती उसकी नहीं है, गलती किसकी है? उसने तो गुड फेथ में कहा कि 10 तारीख है भाई साहब, एग्रीमेंट में 10 तारीख लिखी हुई है, 10 तारीख को पैसे दूंगा, कार लूंगा तो आज 10 है लो। कहता यार कार नहीं है, कार बाहर गई हुई है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, तो एक कागज का टुकड़ा है, लोग एग्जाम्पल देते ना, कोई नहीं कल दे देना परसों देना। अब उसके बाद वो व्यक्ति बदल गया, कहता 10 तारीख को तू आया ही नहीं। अब उसको क्या रेमेडी है? बिल्कुल रेमेडी है, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके ये बोलेगा भाई साहब सर मैंने ये कार खरीदी थी 10 लाख में और मैं इसको पैसे देने गया था, इसने मना कर दिया। दूसरा पार्टी झूठ बोल सकती है सर ये आया ही नहीं। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? मैं बोल सकती ना, तो वो कहेगा जज साहब ठीक है चलो मैं नहीं आया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अब पैसे देने को तैयार हूँ। अगर मेरे को नहीं देने होते तो एक दिन में मैं 10 लाख कहां से ले आऊंगा बताओ? फिर केसेज में आए हुए हैं, मैं अब देने को तैयार हूँ, तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि ये लो जी 10 लाख लो, परफॉर्म करो, एक दिन एक्स्ट्रा हुआ है, अगला पैसा देना है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर वो पार्टी ये बोल देती जी मेरे पास तो 10 लाख है नहीं, मैं तो खर्च कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो झूठ बोल रहा है भाई। एक दिन में तेरे पास 10 लाख रुपए खर्च हो गए, इसका मतलब तूने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए पैसा रखा हुआ था, उसको तू अदर यूज कैसे कर सकता है जब तूने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की इच्छा थी? तो ये ऐसे डिसाइड हो जाता है कोर्ट के अंदर। वो एक्स्ट्रा बताया मैंने आपके लिए नहीं है, ठीक है? मैं इस बात में ये कह रहा हूँ जिसने ऑफर टू परफॉर्म किया है, क्या किया है? जिसने ऑफर टू परफॉर्म कर दिया बेटा जी, वो फिर अगर दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो उसकी कोई लीगल एक्शन नहीं होगा उसके ऊपर, वो टेंशन फ्री है, उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? पढ़ो ये गाइडलाइन दोबारा से जल्दी से, आप समझ में आएगी आपको। इक्विलेंट का मतलब बेटा बराबर, ऑफर एक्चुअल परफॉर्म करने के बराबर माना जाएगा। ये सारी लोग है बेटा आपके बिजनेस लोग, बीकॉम फर्स्ट ईयर। हाँ बेटा प्लीज, कि अगर उसने परफॉर्म करा है ठीक है जी, और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो अपनी ड्यूटी से क्या है? फ्री है। फिर उसको हम दोषी नहीं ठहरा सकते कि तूने परफॉर्म नहीं किया। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड टेंडर, वैलिड ऑफर क्या मानेंगे? कहता अच्छा कब ये कहा जाएगा कि ये जो टेंडर टू परफॉर्म रखा है या ऑफर टू परफॉर्म रखा है वो क्या है? वैलिड है, सही है। नंबर वन, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, बिल्कुल सही है, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप कंडीशन लगा रहे हो इसका, लोग परफॉर्म करने के मूड में नहीं हो, समझ रहे मेरी बात को? उसको कहते हैं जी इतने पैसे आप दूंगा बाकी कल दूंगा, एक्स वाई जेड, ये कार तू यहाँ लेके आ जा, क्या मतलब हुआ यार? जहाँ कॉन्टेक्ट हुआ वहीं देगा अगला, कैसे कर परफॉर्म करूंगा, इस कार को ले जा, इसको सारी को वॉश करवा और इसके अंदर से ड्राइकिंग करवा। ये बात कॉन्टेक्ट में कब हुई थी? 1500 रुपये सारे अंदर के लगेंगे, बाहर 200-300 वो लगेंगे, एसी की सर्विस करवा के दे भाई, ये टेंडर का पार्ट ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? तो जब भी ये इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में जैसी जो बात रखी गई थी वैसे ही परफॉर्म करे, उसके अलावा कोई कंडीशन है ऐड ना करे। दूसरा, इट मस्ट बी ऑफ द होल क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, क्या क्या बीच में क्या सही है, फॉर और ऑफ द होल ऑब्लिगेशन, मतलब पूरी, वही एग्जाम्पल आ गया, पूरी क्वांटिटी। मान लो मैंने 100 बैग राइस के परचेज किए, वो कहता है ऐसे है आज 20 ले जा बाकी कल ले जाना। भाई साहब मैंने कॉन्ट्रैक्ट 80 का किया था, 100 का किया था, मेरे को आज किसी को देने आगे, तू कहता 20 ले जा मेरा काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? किसी घर पे मैरिज है, उसने उसको 100 kg चीज लिखाई थी,
वेजिटेबल, वो कहता है यार आज तो कम आई सब्जी, 20 kg ले जा, 80 kg कल ले जाना, कल क्या करूंगा, शाम को पार्टी है। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो वही बात है बेटा, कहता है इट मस्ट बी ऑफ द होल क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर और ऑफ द होल ऑब्लिगेशन, मतलब पूरी जितना कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी या थी वो पूरा करे, या उसका जो पूरा ऑब्लिगेशन है वो पूरा करे। ऑब्लिगेशन देखो पूरा क्या था, 10 लाख की कार खरीदी तो उसको कितने रुपए देने से सक्षम, 10 लाख। वो कहता है यार मेरे पास 8 लाख हुए, 8 आप ले ले, 2 लाख तो हफ्ते बाद ले लेना। वाई समझ रहे मेरी बात को? तो वो कहता भाई साहब, फिर वो कहता मैंने तो जी टेंडर ऑफर रखा था, कहेगा सर टेंडर ऑफर रखा था, लेकिन टेंडर ऑफर आफ रखा था, मतलब ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। बोलो बेटा क्या, होल क्वांटिटी या होल ऑब्लिगेशन पूरा करे, अपना पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी पूरी करे वो, ठीक है जी। थर्ड, इट मस्ट बी बाय ए पर्सन हु इज इन ए पोजिशन एंड इज विलिंग टू परफॉर्म द प्रोमिस, मतलब वो पर्सन खुद परफॉर्म करे या उसने अपने बिहाफ पर किसी को कहा वो परफॉर्म करेगा उसी को। आपने किसी के साथ प्रोमिस किया तो आप पैसे देने गए कार वाले को, ये 10 लाख रुपए इसके ओनर को और गाड़ी दे दो मेरे को, बिल्कुल सही है, आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर रखा है। अच्छा उसने कहा था भाई साहब मैं अगर ना मिलूं तो मेरा ये अकाउंटेंट है आप इसको पैसे देके गाड़ी ले सकते हो, तो मैं उस अकाउंटेंट को देने गया, बिल्कुल सही है क्योंकि उसने ऑथराइज कर रखा था। उसके अलावा मैं उसके पड़ोसी के पास गया, मैं भाई साहब नहीं आप पैसे ले लो गाड़ी दो, वो कह रहा है भाई साहब जिसको जो रिस्पॉन्सिबल है ना उसी को आप परफॉर्म के लिए ऑफर रखोगे, आपने ऑफर किसी और पर्सन को रख दिया जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर ये परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी। परफॉर्मेंस के लिए ऑफर किसको रखे बताओ, पर्टिकुलर पर्सन को या उसने जिसको ऑथराइज किया है उसको, ठीक है। इट मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, कहता ऑफर प्रॉपर टाइम पे जिस डेट को फिक्स हुआ है और प्रॉपर प्लेस पे, मान लो कॉन्टेक्ट गंगानगर में हुआ तो परफॉर्म कहा होगा गंगानगर में। वो कहता है भाई साहब मैं दिल्ली हूं, ऐसे कर तू दिल्ली आ जा। इसलिए बेटा किस लिए भाई, हमने जो टाइम और प्लेस डिसाइड किया था हम तो वहीं परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद कहता है इट मस्ट बी प्रॉपर होम, अब उसने कहा था कि मैं आपको पेमेंट कैश दूंगा तो कैश देगा, उसने कहा था भाई साहब मैं चेक लूंगा तो चेक लेगा, जो फॉर्म डिसाइड कर रखी थी उसी फॉर्म में लेगा वो। उसने कहा था मान लो गुड्स खरीदे थे और उसने कहा था ये गुड्स मेरे को 1 kg की पैकिंग में चाहिए, कोई भी चीज खरीदी, शुगर खरीदी, राइस खरीदा, 1 kg की पैकिंग में चाहिए, फॉर्म फिक्स था। हाँ वो कहता एक एक किलो की आपको 50 पैकेट देने हैं, 50 किलो, उसने 50 किलो का एक बैग कट्टा भर के कहता ये ले जा घर जाके 1 किलो कर लेना। समझ रहे फिर बात को, जिस फॉर्म में रखा गया अब उसने अटेम्प्ट कर ये लो जी, वो कहता मैं तो नहीं लेता, कहता मतलब मैं तो ऑफर रखा है परफॉर्म करने का, तू नहीं ले रहा, गलत है भाई साहब ये तरीका गलत है परफॉर्म करने का आपका। उसने मांगा किस फॉर्म में, आप देख किस फॉर्म में रहे हो, उसने मान लीजिए उसको ऑर्डर दिया 500 मेरे को हैंकी चाहिए, समझो हाफ हाफ फिट के, ठीक है 500, उसने क्या किया 200 मीटर कपड़ा दे दिया घर जाके काट लेना इसको आराम से, कौन सी फॉर्म में रखा था बेटा, समझो उसने 12 सेंटीमीटर का या 18 सेंटीमीटर का एक रुमाल हैंकी मांगा था, उसे पूरा दे दिया, कहता घर पे जाके ना 100 की जगह 500 की जगह 630 हो जाएंगे कर लेना, फॉर्म गलत है। इट मस्ट बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ टू द प्रोमिसी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। अब मान लीजिए आपने किसी को ऑर्डर दिया था कि मेरे को 100 शर्ट इस कंडीशन में चाहिए, हाफ स्लीव चाहिए या फुल स्लीव चाहिए, या जिसके एक कॉलर लगी हुई है बड़ी कॉलर, एक दूसरी होती है ना ऊपर वाली कॉलर बैन कॉलर बोलते हैं शायद इसको, है ना वो, तो उसने क्या किया, उसने कॉन्टेक्ट पर टाइम पूरा करने के लिए उसने कॉलर क्या है ये हाफ लगाई कॉलर, ऊपर जो ये कॉलर ये नहीं लगाई, बैन कॉलर बन गया ना फिर ये, या फुल स्लीव मांगी थी हाफ स्लीव दे दी, या पॉकेट नहीं लगाई पॉकेट मांगी थी उसने ये फ्रंट पॉकेट नहीं लगाई, उसको कहता ले जा बस तारा कर खोल के देखा, कहता नहीं घर जाके नहीं लेना कोई नहीं, उसको इंस्पेक्शन करने का टाइम दो भाई साहब, जिस कंडीशन की उसने चीज मांगी थी उस कंडीशन की आपने दी है या, कहता मैं तो ऑफर कर रहा हूँ, कहता ठीक है लो ले लो जी, कहता एक बार खोलो उसको चेक करो, कहता नहीं 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 मैंने टेंट रख दिया मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, पैसे दे और लेके जा घर जाके देखना यहाँ मत देख। बोलो सही है गलत है, गलत है भाई साहब, ये पॉइंट क्या कह रहा है देखो, इट मस्ट बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द प्रोमिसी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। बोलो सही है कि नहीं है, अगर आपने रीजनेबल, वो कहता भाई साहब नहीं देख रहे तो मैं लेता नहीं, कहता मत ले बहस होगी दोनों की, ठीक है जी। अब वो कहता जी मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया था इसी ने नहीं किया, बोलो सही कह रहा है गलत कह रहा है, गलत कह रहा है,
तूने उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी नहीं, फिर कहता मेरा टेंडर ऑफर है, टेंडर परफॉर्मेंस है, मतलब मैंने तो ऑफर टू परफॉर्म करा था, इसने भी पूरा नहीं किया, कहते तुम देखने कब दिया मेरे को, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, इट मस्ट बी मेड टू प्रॉपर पर्सन दैट इज